हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेडिंग। और क्लीनिंग तो हो ही चुकी थी सुबह, क्योंकि वो आ जाती हैं दीदी क्लीनिंग करने के लिए। क्लीनिंग करती हैं, बर्तन वगैरह धोती हैं, यही सब है उनका काम। और वो कर गई हैं सारी, तो मैं बेडिंग वगैरह कर ले रही हूँ, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना अलमारी में जैसे अभी गर्म कपड़े निकल गए हैं, तो वो सारे बेड में रखे थे, वो बेड के बाहर निकालने थे। और सारी जो कॉटन की बेडशीट थी वो मैंने इसके बेड के अंदर रख दिया है स्टोर करके, क्योंकि अलमारी में रखी हुई थी पहले, ये अलमारी में भी जगह नहीं थी फिर गर्म कपड़े रखने की, तो इसलिए सारी बेडशीट निकाल के मैंने एक बैग में पैक करके इसमें रख दिए, क्योंकि अब कॉटन की बेडशीट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कभी कभी पड़ जाएगी तो इसी में से निकाल लेंगे, अदरवाइज़ नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्म चादरें सारी निकली रहती हैं। और ये पवी बीच बीच में शैतानी कर रही है। और बस हर संडे के संडे में डस्टिंग भी, मतलब डीपली डस्टिंग वैसे तो होती है डस्टिंग, लेकिन संडे को ज़्यादा ही अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि संडे का ही दिन है जो एकदम फ्री मिलता है। क्योंकि डेली डेली तो इनको जाने की जल्दी रहती है, और मेरे पास भी और कई काम रहते हैं, जैसे शॉप वगैरह भी है हमारी, तो उसे भी देखना पड़ता है। और फिर इतने दिनों से मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना पा रही थी, क्योंकि सिलाई के लिए कुछ कपड़े भी आए थे, तो मेरे को उनको भी सिलकर देना ही था टाइम से, क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल शादी का सीज़न चल रहा है, तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि मैं पूरा दिन स्टिचिंग में लगी रहती थी और सुबह को जल्दी जल्दी काम हो जाता था, तो फिर इतना मौका ही नहीं लग पाता था कि मैं ब्लॉग बना सकूँ, वीडियो शूट कर सकूँ, इसलिए मैं नहीं कर पाई। और आज टाइम मिला तो मैं शूट कर रही हूँ। वैसे तो डेली शूट करनी चाहिए, लेकिन अभी इतना हैबिट में नहीं आया मेरे कि मैं दोनों काम एक साथ मैनेज कर सकूँ। बाकी बच्चे का भी बहुत काम रहता है, छोटा बच्चा है। और बस ये शीशा तो पवी डेली ही गंदा कर देती है, इतना गंदा करती है कि बहुत टाइम लग जाता है ये मिरर साफ करने में। हाथ छाप देती है इस पर आके, तो गंदी आदत है इसको अभी, लेकिन छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी अपने आप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए फाइनली मैंने ये भी मंगवा लिया अपना ट्राइपॉड, गोरिल्ला ट्राइपॉड। तो क्योंकि मैं इसे ना जैसे पकड़ो बहुत पास पास आता है, इसे थोड़ा दूर दूर आएगा, मतलब थोड़ा ज्यादा कवर हो जाएगा। और अभी मैं हाफ इस ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं मार्केट से आई हूँ सब्जी वगैरह लेके, और मतलब सब्जी वगैरह लेने गई थी, लेकिन मैंने मार्केट में वीडियो वगैरह कोई शूट नहीं की, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ मार्केट लगती है बाहर को, मतलब हमारा अंदर, मतलब रोड से दूसरा घर है हमारा, गली के अंदर को सेकंड नंबर का घर है, तो बिल्कुल हमारे सामने रोड पे ही मार्केट लगती है, और उसी में से शॉपिंग कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे मार्केट दो दिन लगती है, एक थर्सडे वाले दिन और एक संडे वाले दिन, तो सब्जी वगैरह वहीं से ले लेते हैं हम। और मतलब थर्सडे और संडे दो दिन लगती है ना, तो सब्जी हम लोग पूरे हफ्ते की ही लेके रख लेते हैं वैसे ज्यादातर। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, अरे तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ट्राइपॉड, ये बहुत ही सुंदर है। और इसका एक सेकंड पर भी लगा के दिखा लो। हाँ, लगा के दिखा लो। लगा के दिखाऊंगी। और इसमें ना कनेक्ट करने के लिए रिमोट भी दे रखा है, काफी अच्छा ट्राइपॉड है ये रिमोट। तो मैं भी इसमें फंसा के दिखाती हूँ आपको। तले जाता है क्या? हाथ उठाओ अभी।
इसे खोलो। तो फ्रेंड्स ये दे रखा है इसको, मतलब इसमें मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं हम, फोन लगा सकते हैं इसमें शूट करने के लिए। और यहाँ पे इसे कहीं कनेक्ट करना है। मम्मी रिमोट खुलवा लो। खोलेंगे अभी, रुक जाओ। रिमोट इसके, ये जो है इसको इसके अंदर से ऐसे करना है, ये इस तरह से, और बस लग जाएगा हमारा। तो मुझको फ्रेंड्स काफी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरे को हाथ में ही फोन पकड़ना रहता था, तो इसलिए अब ये ट्राइपॉड आ गया है ना, तो इसमें अच्छे से मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ। अच्छी हो रही है, एकदम दूर दूर से सारा कवर हो रहा है पीछे का भी। और ये देखिए अभी सब्जी वगैरह लाई है, सब यहीं पर ही रखी है मैंने, जस्ट अभी लाई ही। और ये देखिए फ्रेंड्स ये लाए हैं, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पॉट्स लाए हैं। ये देखिए बुद्ध भगवान की ये प्लांट लाए हैं, और ये घर के लिए नहीं है, और बाकी ये दो ये पॉट दोनों ये घर के लिए लाए हैं, ये वाले तीनों है। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और एक ये हमारे और लगे हुए हैं, ये देखिए एक ये भी पेंटिंग लगी हुई है। बोलते हैं कि शायद शुभ होता है ये सब लगाना, इसलिए लगा रखे हैं क्या। हाँ चलाऊंगी। कैसे चलाओगे? ऐसे नहीं बेटा, ये अभी पापा ने कनेक्ट नहीं किया, रुको ये कनेक्ट होगा उसके बाद चलेगा, ठीक है? तो कनेक्ट करो, कनेक्ट मुझसे नहीं होता कनेक्ट, पापा करेंगे आके, है ना? अभी तो पापी का मेकअप भी करेंगे बहुत सारा। मम्मी 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 हाँ, पिंक कलर का लिपस्टिक लगाना है, पिंक कलर का लिपस्टिक लगाना है, ठीक है लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छे पॉट लग रहे थे, ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितने सुंदर हैं। और मैं अब जा रही हूँ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, मैं पवी के लिए थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज बना दे रही हूँ क्योंकि उसको भूख भी लगी थी थोड़ी सी, तो मैगी मांग रही थी, लेकिन मैंने कहा मैगी नुकसान भी देगी क्योंकि उसका पेट अभी सही नहीं है, इस वजह से मैंने फ्रेंच फ्राइज बना के दे दी उसे। और साथ के साथ ही मैं बनाने लगी थी यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी तरी वाली, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी चावल के साथ बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ मतलब चावल थोड़े कम ही खाए जाते हैं, इसलिए रोटी वगैरह ही ज़्यादा बनती हैं, चावल इनको पसंद नहीं है इसीलिए कम ही खाते हैं, लेकिन आज मन कर रहा था। और इस सीज़न में मतलब दूसरी बार ही गोभी बनी है, तीसरी बार मतलब, जबकि इतनी अच्छी होती है, लेकिन मेरे को ना थोड़ी साफ़ करने में इसको बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इसमें ना फिर कीड़े वीड़े एक भी निकल जाते हैं ना, तो मुझे डाउट रहता है कि मतलब इसी वजह से। बाकी मैंने गर्म पानी वगैरह में सब में नमक वमक डाल के साफ़ कर लिया, और साफ़ करते टाइम भी बहुत अच्छे से साफ़ की थी, लेकिन फिर भी मन में डाउट रहता है, तो इसी वजह से कम ही बनाती हूँ, इतनी ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। ये हो गया, और साग वगैरह इनको साफ करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहे हैं ये खजूर के लड्डू। तो ये देखिए फ्रेंड्स खजूर के लड्डू बन रहे हैं, और ये बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। कद्दू आसान होता है? आसान नहीं होता है, नहीं आसान, ठीक है, मतलब ज्यादा आसान भी नहीं है, मतलब इसमें अच्छी चाशनी वगैरह थोड़ा बनती है कोई, चाशनी नहीं होती है। तो खुद ही मीठे होते हैं तो चाशनी की जरूरत नहीं है। तो बस इसमें क्या है, खजूर काटे और छोटे छोटे पीसेस में उसको करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है। हाँ, उसको छोटे छोटे पीस करके फिर ग्राइंड किया उसको, फिर उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिला लिए। पहले बीज निकालने हैं इसके? हाँ, तो बीज तो सभी निकालेंगे यार, बीज क्या बताना, बीज क्या बताना, बीज तो सभी निकालेंगे, बीज कौन डालेगा खजूर के? साबुत डाल के ना भाई पीस दे।
हाँ हाँ जरूर पापा मुझे बड़ी घड़ी ला देना। वाह कितने गोल गोल लड्डू बन रहे हैं। ये मेरी मम्मी ने सिखाया है। अरे नहीं छोड़ बेटा, ये मम्मी हमारी स्पेशल शेफ है ना। दादी ने दिए वो वाली दादी ने। हाँ वो दादी है ना फोटो में, उन्होंने सिखाए हैं। अच्छा मैं मुझे भी अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है? तो आप भी खा लेना। ठीक है। वाह और फ्रेंड्स यहाँ पे लड्डू बन रहे और पापा बना रहे। मेरी दादी ने दिखाए थे वो वाली। कौन सी दादी ने? वो वाली दादी ने ऊपर वाली जो फोटो में ना। हाँ फोटो में। कहाँ रहती है वो? तंदूरती में। तंदूरती में रहती है दादी? हाँ। बाबा भी रहते हैं तंदूरती में, दादी भी रहती तंदूरती में। हाँ। और मेरी तो ये फ्रेंड्स देखिए लड्डू बन चुके हैं और कितने बढ़िया लड्डू दिख रहे हैं। और ये सारे इन्होंने ही बनाए हैं, मैंने बिल्कुल भी इनकी हेल्प नहीं की है। और पापा भी टेस्ट करके देखो कैसा है। नहीं खाना, ये वैसे कुछ नहीं खाती है लेकिन भगवान जी को भूख लगा दी है। और आप भी खा लीजिए, ये लीजिए। और अब मैं खाती हूँ, एक बार इन्हें भी टेस्ट करवा दो। मैंने लड्डू को बोल दिया, मैं टेस्ट करके देख रही हूँ फ्रेंड्स। खा लो लड्डू को, लड्डू को। इसमें तो एकदम पंजीरी वाला टेस्ट आ रहा है वैसे। बहुत टेस्टी होते हैं। मेरे मम्मा से ले लो। अच्छा पूरे नहीं खा पाओगे, इसमें थोड़ा उठाओ। अब ले लिया तो उठा लो, कटोरी में मैं खा लूंगा। तो फ्रेंड्स बस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वन में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अब हाथ तो उठाओ। अरे हाथ उठाओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू पूरा बोलो। मिलते हैं गाइस, मिलते हैं गाइस जल्दी ही, चलिए नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय।